बिहार वजीरगंज गया में पंचायत समिति की बैठक आयोजित करवाने में बीडीओ आनंद प्रकाश पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने और गलत कार्यशैली का आरोप लगाते हुए समाज सेवी छोटन साव के नेतृत्व में प्रखंड मुख्यालय पर आमरण अनशन शुरू किया गया। छोटन साव पंचायत सदस्य उत्तम देवी के पति जो प्रखंड स्तर पर विपक्ष की नेत्री है तथा प्रमुख के दावेदार भी। अनशन पर इनके समर्थन में जमुआवा पुनावा कुरकिहार सहिया साथ ही पंचायतों से कई समिति सदस्य सहित भाजपा नेता मदन साव भी बैठे। अनशनकारियों का समर्थन भारतीय सब लोग पार्टी युवा प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चित्रंजन कुमार और चिंटू भैया ने पूरे दलबल के साथ किया। भवन है और किसान भवन कहाँ पे है, हवाई सर्वे भी किया जाएगा तो 600 फीट होगा और रोड के माध्यम से अगर जाया जाएगा 1000 फीट से ज़्यादा जाएगा और बीच में पब्लिक का मकान है न कि एक कैंपस सिर्फ ब्लॉक का है, डीएस कम्प्लेक्स है, हम उसी होकर के जाएंगे। हमको नहीं समझ में आया कि यहाँ पर बैठक है। योजना जो वितरण किए हैं 25 प्रतिनिधि के बुला करके और योजना का, उसमें पंचम बीज का योजना 68 है जिसमें 13 योजना प्रखंड प्रमुख महोदया की है और उसके बाद अगर उस योजना का नंबर आता है तो मैठी पंचायत का आता है, बाकी सभी का नीचे स्तर है। ये हम इसलिए स्थावर में मौजूद हुए हैं कि आने वाला जो दिन होगा जो पीढ़ी होगा जनता जागे और ये जो संघर्ष पूरा हो जाएगा जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष का नारा है। इस बैठक से मैं काफी खुश हूँ और ऐसे भ्रष्टाचारी को अफसर को प्रमुख को अविलंब बर्खास्त किया जाए और मैं इस आमरण अनशन में साथ बैठा रहूँगा। आपका नाम? लाल साहब। मेरा नाम मदन साह, भाजपा नेता प्रधान है। गलत नीति के कारण इस धारणा पर हम लोग आज बैठे हुए एक साथ 2020 का बैठक पंचम वित्त आयोग एवं 15वीं वित्त आयोग हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा हम लोगों को चिट्ठी निर्गत किया गया था जी। जिसका स्थान टाइसन भवन वजीरगंज रखा गया। हम लोग उचित समय पर एक साथ 2020 को उस टाइसन भवन पर उपस्थित हुए। हम लोग 4 बजे तक हम 10 पंचायत समिति और कुछ मुखिया के अलावे किसी को नहीं वो साहब को मिले भगत का आरोप लगाना चाहेंगे। यह जो सरकार पंचायत समिति के नाम से जो फंड आवंटित करता है उसे प्रमुख और वीडियो मिली भगत करके अपनी पॉकेट भरना चाहते हैं और हम तमाम जनता को आवाज़ को बंद कर देना चाहते हैं। हम लोगों को जो जनता चुनती है अपनी दुख और दर्द रखने के लिए वही उसी बैठक के माध्यम से रखने के लिए स्थान बना है, लेकिन उससे हम लोगों को वंचित कर दिया गया। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ उनको सुनने के लिए वह तैयार नहीं है तो कैसे मेरे प्रमुख है और कैसे हमारे कार्यपालक पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय हैं। ये प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हमारी जनता की मांग पूरी नहीं होगी, हमारा आमरण अनशन चलता रहेगा। हमारी मांगे पूरी करो। मेरा नाम नरेश खां, वजीरगंज पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 17 पंचायत जमगावा। बिहार के गया से केकेडी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट।